हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिया होम्योपैथी। हम पढ़ेंगे आज सुबह में फॉर द बेसिस ऑफ एग्ज़ाम कि हमें एग्ज़ाम में कैसे, मतलब ये पूछी जाएगी और एग्ज़ाम में हमें मेन मेन इसमें क्या करना है। सो सबाइना का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रॉनिक एलिमेंट्स ऑफ वुमेन के लिए है, आर्थराइटिक पेन के लिए और टेंडेंसी टू मिसकैरेज स्पेशली एट थर्ड मंथ। ये उन फीमेल्स में दिया जाता है जिनके टेंडेंसी टू मिसकैरेज है स्पेशली थर्ड मंथ। ये मेडिसिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप गायनी ऑप्स का भी पेपर देते हैं थर्ड ईयर में, उसमें आपको थेरापेटिक्स भी लिखनी होती है। तो फॉर दैट पर्पज सबाइना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेडिसिन टू मैंशन इन मिसकैरेज, अबॉर्शन एंड वुमेन रिलेटेड कंप्लेन्स एंड लाइक गायनी एंड ऑब्स में आप थेरापेटिक्स में इसको लिख सकते हैं विद इट्स एग्रवेशन एम्ब्लोरेशन और जो भी इसका मेन मेन पॉइंट्स है हमारे की नोट्स है उसके साथ टू गेट फुल मार्क्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये भी माइंड में रखनी है क्योंकि आपको थर्ड ईयर में गायनी ऑब्स का पेपर भी लिखना होता है। ओके, तो हम आज सबाइना पढ़ेंगे। सबाइना में क्या मेन है कि ये वुमेन की रेमेडी है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है सबाइना। ओके, उसके बाद क्रॉनिक एलिमेंट्स ऑफ वुमेन, क्रॉनिक एलिमेंट्स ऑफ वुमेन, आर्थराइटिक पेन्स, टेंडेंसी टू मिसकैरेज स्पेशली एट थर्ड मंथ। आर्थराइटिक पेन जो ओल्ड एज में वुमेन में होता है और क्रॉनिक एलिमेंट्स यानी कि जो लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं उन एलिमेंट्स को हम क्रॉनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आर्थराइटिक पेन एक क्रॉनिक एलिमेंट है। उसके बाद है हमारे म्यूजिक इज इंटॉलरेबल, प्रोड्यूसेस नर्वसनेस, गोज थ्रू बोन एंड मैरो। ठीक है, इसमें जैसे दिया हुआ है कि जो हमारा मेंटल जो है कि म्यूज़िक इंटॉलरेबल, सबाइना की पेशेंट होती है ना लेडी, उसको म्यूज़िक बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं होता है, उसको म्यूज़िक नहीं पसंद। इम्पॉर्टेंट है, ये ब्लैक बोर्ड भी हो रखा है तो आप ये मटेरिया मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए और गायनी के पेपर के लिए दोनों के लिए आप इसको याद रखें एंड इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर एज वेल। और ये प्रोड्यूस करता है नर्वसनेस, गोज थ्रू बोन मैरो, प्रोड्यूसेस नर्वसनेस, गोज थ्रू बोन एंड मैरो, उसको प्रॉब्लम होती है बोन एंड मैरो तक, मतलब कि म्यूज़िक बिल्कुल टॉलरेबल इस पेशेंट को नहीं है। उसके बाद हमारे आते हैं फिजिकल जनरल्स। फिजिकल जनरल्स में क्या होता है, ड्राइंग पेन्स इन स्मॉल ऑफ बैक, ड्राइंग पेन्स होती हैं इन स्मॉल ऑफ बैक फ्रॉम सैक्रम टू प्यूब्स इन नियरली ऑल डिजीजेस फ्रॉम बैक गोइंग अराउंड इन बॉडी टू प्यूब्स। ओके, यानी कि ड्राइंग पेन्स होता है इन स्मॉल ऑफ बैक, यानी कि कमर में जो उसकी कमर में पेन होते हैं फ्रॉम सैक्रम टू प्यूब्स, यानी कि जो सैक्रम होता है ना हमारे सबसे नीचे वाले जो वर्टिब्रा का सैक्रम होता है वहाँ से प्यूब्स तक इसमें पेन फील होता है इसको। ये स्लिप डिस्क में भी इसी तरह का पेन देखा जाता है एंड नियरली ऑल डिजीजेस। ठीक है, फ्रॉम बैक गोइंग अराउंड द बॉडी टू प्यूब्स। ठीक है, उसके बाद है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको यहाँ पे वेब से कंपेयर किया हुआ है। बाकी हम अभी मेन इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ सबाइना, इसमें क्या होता है, टेंडेंसी टू मिसकैरेज, जो इन वुमेन में बार बार मिसकैरेज होते हैं थर्ड मंथ में, उनको आप ये मेडिसिन दे तो ये बहुत अच्छा वर्क कर दिया। उसके बाद एलिमेंट्स फॉलोइंग अबॉर्शन और प्री मेच्योर लेबर, अगर जो उनको अबॉर्शन हो रहा है और प्री मेच्योर लेबर है, हेमोरेज फ्रॉम द यूट्रस हो रहा है, स्लो फ्लो, पार्शली पेल रेड है, जो फ्लो है वो पेल सा है, पेल रेड, ये इसका एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक कलर सिम्टम है, इसको आप याद रखें सबाइना में, पेल रेड। पार्शली क्लॉटेड होता है, ठीक है, वर्स फ्रॉम लीस्ट मोशन, ये पार्शली क्लॉटेड होता है और ये वर्स होता है फ्रॉम द लीस्ट मोशन, वर्स फ्रॉम द लीस्ट मोशन, यानी कि कोई लीस्ट मोशन होगा उससे भी इसको प्रॉब्लम होगी, यानी कोई थोड़ा सा भी मोशन होगा ना तो सबाइना की पेशेंट को वो अच्छा नहीं लगेगा, इसका मतलब ये है। ऑफन रिलीव्ड बाय वॉकिंग, पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम सैक्रम टू प्यूब्स, ऑफन रिलीव्ड होता है ये वॉक करने से, यानी कि चलने से, ठीक है, और ना पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम सैक्रम टू प्यूब्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड, सो इट इज़ बेटर इफ़ यू रिमेंबर दिस फॉर योर एग्जाम पर्पज एंड ऑल्सो फॉर द फ्यूचर प्रैक्टिस। उसके बाद है मेंसेस, टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, टू प्रोटेक्टेड। ठीक है, टू अर्ली बहुत जल्दी होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, टू प्रोफ्यूज होंगे और टू प्रोटेक्टेड मतलब बहुत ज़्यादा इसको वीकनेस होगी, पार्शली फ्लूइड होंगे यानी कि पार्शली मतलब फ्लूइड भी होगा क्लॉटेड भी होगा। इन पर्सन हु मेंस्ट्रुएट वेरी अर्ली इन लाइफ, फ्लो इन पैरेक्सॉम्स, यानी कि जो वुमेन जिनको बहुत कम एज में पीरियड्स आ जाते हैं उनको मतलब ये दी जाती है, और पैरेक्सॉम्स मतलब कि आए फिर गए, आए फिर गए, इस तरह के पैरेक्सॉम्स में इंटरवल्स, पैरेक्सॉम्स मीन्स इंटरवल्स में हमारी
पीरियड्स देखे जाएंगे सबाइना की पेशेंट में। विथ कॉलिक पेन होगा, लेबर लाइक पेन होगा और पेन फ्रॉम सैक्रम टू प्यूब्स। दोबारा ये चीज़ रिपीट गई है, सैक्रम टू प्यूब्स इसको पेन होगा, ठीक है, कॉलिक एंड लेबर लाइक। उसके बाद इसमें क्या होगा, डिस्चार्ज होगा ब्लड का बिटवीन पीरियड्स, पीरियड्स के बीच में, मतलब पीरियड्स आए नहीं है, ये इसकी पीरियड डेट है और सेकेंड डेट यहाँ है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी इसको पीरियड्स का डिस्चार्ज हो रहा है ब्लड का, तो वो चीज़ है सबाइना में। विद सेक्शुअल एक्साइटमेंट, सेक्शुअल एक्साइटमेंट के साथ इसको डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होगा बिटवीन दी पीरियड्स। मूविंग ऑन, रिटेन प्लेसेंटा फ्रॉम एटॉनी ऑफ यूट्रस। रिटेन्ड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है ना वो रिटेन रहता है फ्रॉम एटॉनी ऑफ यूट्रस, ठीक है। इंटेंस आफ्टर पेन्स, प्लेसेंटा रिटेन रहता है और जो इवन आफ्टर लाइक जो डिलीवरी हो जाती है, लेबर हो जाता है उसके बाद भी इंटेंस पेन होता है उसमें। मेनोरेजिया ड्यूरिंग क्लाइमेट्रिक के टाइम पे मेनोरेजिया देखा जाता है इन वुमेन हु फॉर्मली अबॉर्टेड विद अर्ली फर्स्ट मेंसेस। जिन जो वुमेन होती है ना जिनको पहले मतलब कि अर्ली मेंसेस आ गए थे लाइफ में, अब वो जब अपनी क्लाइमेट्रिक पीरियड में आएंगी ना, यानी कि जब मेनोपॉजल जहाँ से शुरू होता है, तो वहाँ पर इसको दिया जाएगा सबाइना को। इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज और यूट्रस आफ्टर अबॉर्शन और प्रीमैच्योर लेबर। इन्फ्लेमेशन होगा ओवरीज का और यूट्रस का, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज और यूट्रस फ्रॉम आफ्टर अबॉर्शन और प्रीमैच्योर लेबर, आफ्टर अबॉर्शन और प्रीमैच्योर लेबर, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज, ओवरीज का इन्फ्लेमेशन होगा और यूट्रस का होगा आफ्टर अबॉर्शन, अबॉर्शन के बाद और प्रीमैच्योर लेबर, ठीक है। प्रमोट्स एक्सपल्शन ऑफ मोल्स और फॉरेन बॉडी फ्रॉम यूट्रस। अगर जैसे कुछ भी मोल या फॉरेन बॉडी यूट्रस में आ गई तो ये इसका एक्सपल्शन कराता है। ये बहुत ही एक इसका अच्छा सिम्टम है सबाइना को, जब याद रख सकते हैं आगे प्रैक्टिस में काम आ सकता है। उसके बाद स्किन, फिग वर्ट्स विद इनटॉलरेबल इचिंग एंड बर्निंग, ओके, एग्जुबरेंट ग्रैन्यूलेशंस, यानी कि इसमें फिग वर्ट्स होंगे और इसको इचिंग होगी, खुजली होगी सबाइना के पेशेंट को बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब हमारा आता है मॉडलिटीज, ये इंपॉर्टेंट है हमारी जो मेडिसिन है सबाइना उसमें, जो कि आप गायनी आपके एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं और मटीरिया मेडिका के पेपर में एग्रेवेशन और एम्ब्लोरेशन लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। एग्रेवेशन होगा इसको फ्रॉम लीस्ट मोशन, ठीक है, थोड़ा सा भी मोशन होता है उससे। वार्म एयर और रूम, अगर गर्म एयर है, वार्म एयर है और रूम है तो उससे भी इसको एग्रेवेशन। फिर एम्ब्लोरेशन होता है सबाइना को कूल ओपन और फ्रेश एयर से, कूल ओपन और फ्रेश एयर। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पल्सिटिला फीमेल रेमेडी, उसको भी फ्रेश एयर से होता है, तो सबाइना भी फ्रेश एयर में, ओपन में, कूल में रह सकती है। ओके गाइस, मैं अब अपनी चैनल पे कुछ न्यूमोनिक्स जो मैंने खुद बनाए थे वो भी मैं अपलोड करूँगी। ऑल्सो आई विल अपलोड हैंड रिटन नोट्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नोटिफिकेशन आपको आ जाए तो आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड हाँ, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री है सबाइना के थूजा, कंपेयर इसको क्या है, कैलकेरिया से, क्रॉक से, मिल सेक्स से और ड्रिल से, और थूजा और साइकोटिक फिक्शंस में थूजा से इसको फॉलो किया जाता है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर टुडे, दिस वाज सबाइना, आई होप इट हेल्प्ड यू एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू चेक आउट अदर वीडियोज़। मैंने बहुत सारी मेडिसिन पर वीडियो बनाए जो कि आपको एग्ज़ाम पर्पज़ में हेल्प कर सकती है। ओके गाइज, थैंक यू।